नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। इसके साथ ही क्षेत्र के उम्मीदवार और प्रत्याशी पांचवें और छठे चरण के चुनाव के प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से जुट गए हैं और अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मदरना प्रखंड वैशाली पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक मोहम्मद नूर हसन से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान मुखिया कुरैशा खातून है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मदरना प्रखंड वैशाली के मुखिया कार्यभारक मोहम्मद नूर हसन से। नूर हसन जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। आप नूर हसन जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ। विकास तो हम तो 10 साल से मुखिया हैं, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। जैसे कहिएगा तो हम गिना भी देंगे जी। जैसे कौन कौन सी योजनाएं उतरी है धरातल पर? धरातल पर हमने सड़क बनवाया है, पुल बनवाया है, बहुत सारी योजनाएं हैं, कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया है और आपको ऐसे ऐसे हम अपने लाइफ में अपने ही कार्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट काम किया कि 2 स्कूल बनवाया, प्राइमरी स्कूल जी जो अभी चल रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने किया कि हमारा हॉस्पिटल था यहाँ मदरना हॉस्पिटल, वो डेड हो गया था। वो हमारे बहुत पूर्व मुखिया श्री रामधनी प्रसाद के सौजन्य से बना हुआ था, लेकिन वह ख़त्म हो गया था। तो हम जब मुखिया हुए तो माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू के सौजन्य से यहाँ से हाजीपुर दौड़ दौड़ करके और जैसे जैसे वो बताए वैसे वैसे हमने किया और उस हॉस्पिटल को पुनर्जीवित कर दिया, जिसमें अभी MBBS डॉक्टर पोस्टेड हैं और बहुत सारा स्टाफ है वहाँ, सर सब काम होता है। और जी बोला जाए जी, आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला है? आवास योजना के अंतर्गत लगभग 200-250 का, 250 का जी। और साथ में से योजना की क्या स्थिति है, कितनी सफल है ये योजना आपके क्षेत्र में? योजना सफल है, जिसमें 250 हमने आवास योजना दिया है, जिसमें लगभग 200 पूरा हो गया है, 50 पर कार्य चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा जी। जी और जी, और साथ निश्चय योजना में कितना कार्य हुआ है आपके यहाँ, कितनी सफल है ये योजना आपके यहाँ? सात निश्चय भी ठीक है जी। और उस और नल जल का कितना कार्य हुआ है आपके वार्ड में? नल जल में हमारे यहाँ 14 वार्ड है, 14 में काम हुआ है, कुछ हम कराए हैं हमारे वार्ड कराए हैं सरकार की नीति के मुताबिक और बाकी जो है सब PhD कराए हैं जी। जी, इस वक्त जब क्षेत्र में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? सहयोग तो पूरा मिल रहा है, लोग कहते हैं कि आपको प्रचार कर रहे और घूमने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने सफिशियंट है और आपको भारी मतों से जिताएंगे, यही तो लोगों का रुझान है जी। किस जी लोगों के बीच किस एजेंडे के साथ आप इस बार जा रहे हैं? हमने कहा है कि हमने सड़क बनवाया, पुल बनवाया, कब्रिस्तान का घेराबंदी किया और स्कूल बनवाया जो असंभव है, और जो हमने हॉस्पिटल बनवाया जो साफ ही असंभव था, उसको मैंने यहाँ लाया और हॉस्पिटल को कार्यरत करा दिया। तो हम लोगों को कहते हैं कि और हमको मौका दीजिए तो और आगे काम करेंगे। हमने इंदिरा आवास का काम किया, हमने वृद्धा पेंशन का काम किया, जो आज सारा हमारे क्षेत्र का जितने बूढ़े बूढ़ी असहाय हैं, विधवा, सब कोई का एक
जीविका बन गया है, उन्हें 400 रुपया मिलता है, बहुत बड़ा उनको सहयोग मिल रहा है। मैंने ये सब काम किया है और लोगों को मैंने कहा कि इस वक्त जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में कोई प्रमुख समस्या जो सामने आ रही हो जिसके लिए आप सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन वह मांग सरकार खुद पूरा कर दिया है। वह है हाई स्कूल को, हमने मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाना चाहते थे, लेकिन इधर नीतीश बाबू का हो गया है फरमान कि जो मिडिल स्कूल चल रहा है जिसमें बिल्डिंग है उसको हाई स्कूल में परिवर्तित कर दो, तो हाई स्कूल भी हमारे यहाँ बन गया है, उसमें पढ़ाई भी हो रही है और बाकी जो काम है हम करेंगे आगे। जी नूर हसन जी, एक आखिरी सवाल, चुनाव अगर दोबारा जीत करके आते हैं आप, तो इस क्षेत्र के लिए विकास के और क्या नई योजनाएं हैं? पुराने कार्यों को आगे बढ़ाना है या नई कोई योजना है आपकी? योजना हमारा है कि मुख्यमंत्री जी का हमेशा ऐलान हो रहा है कि से भाई 7 निश्चय में हम नल जल को का दूसरा फेज चलाएंगे। एक फेज में तो हमने कर दिया है सब काम, जिसमें घर घर पानी मिल रहा है, नल जल का पानी। अब एक दूसरा फेज जो चलेगा उस काम को हम करेंगे। पहला काम यही करेंगे। दूसरा काम यह है कि जहां हमारा रोड अभी तक बचा हुआ है उसको हम पहले बनवाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो कहीं पुल की समस्या है उस पुल को बनवा देंगे। यही सब है। और चौथी बात यह है कि जो भी विधवा या बूढ़ा बूढ़ी बच गए हैं ओल्ड एज वाले, उनको हम वृद्ध योजना में ला करके पेंशन चालू कराएंगे। यही मेरी योजना जी। जी नूर हसन जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में क्षेत्र की जनता सही उम्मीदवार और प्रत्याशी का चयन करे, आपके किए गए विकास कार्यों को देखकर ही मतदान करें। जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मदरना प्रखंड वैशाली से मुख्य कार्यभारक मोहम्मद नूर हसन, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र का पूरा विकास करने का उन्होंने कार्य किया है, हर योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जो भी थोड़े बहुत कार्य और योजनाएं अधूरी रह गई हैं, अगर वो दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।